ये है भाई वॉल्वो VNL 760 टॉप मॉडल है। ऊपर वाला बंदा जो होता है ना, जब टीम में चलते हैं बंदे, उसको कॉल करने बोले बड़े बड़े उस्ताद बनते हो भाई। वो जो पीटर बेल्ट जा रहा है ना लाटे निकालता हुआ, ये भी अपने पाजी का ट्रक है। ये कल छावल वाला आया, सारी स्नो उखाड़ के कितने कितने बड़े बड़े डेले लगा दिए। अभी किसी को चाहिए तो भाई ले जाओ, बाद में मत बोलना कि स्नो नहीं मिल रही, स्नो नहीं मिल रही। शुक्र है ऊपर वाले का एक और बात की वजह से कि भाई हर बात में शुक्रिया भाई उस ऊपर वाले का। आप लोगों का भी दिल से सलूट है। जहां भी 10-5 ट्रक खड़े होते हैं वहां पे एक आध दो भाई अपने मिल ही जाते हैं और आपके भाई का सीना चौड़ा जाता है जब आप आके पूछते हो कि भाई आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो। मैं भी बोलता हूँ, मैं फूल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं ही हूँ। शुक्र है आप लोग पहचानते हो, बस इतना ही बहुत है। जब मैं बूढ़ा हो गया ना, तो जब मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब भी मैं या तो एक आध ट्रक ले लूंगा अच्छा बड़ा कोई, या फिर कार में आया करूंगा, टीम मोटर के ऊपर आके बैठा करूंगा। इसमें जैसे वर्डन है, विनीपेग से 300 किलोमीटर दूर है, ब्रेंडर में आके बैठा करूंगा। दुबई में ऐसे वाले जो घर होते हैं ना, वो रात को 12 से 5 5 घंटे ही आप इसको मूव कर सकते हो। कनाडा में ये दिन में ही चलते हैं, रात को बहुत सारी प्रोविंसों में आप इसको चला नहीं सकते। रमण हमारी एक्स है ये, ठीक है ना, मजाक नहीं उड़ाना हमारा, ठीक है। देखिए चल चेक करिए सारा कुछ ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई। बस बस पुत, बस 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 मेरे पुत, जल्दी करो, बस बस खत्म हो गया, शो खत्म हो गया, बस बस हाँ बस शांत हो जाओ। इतना कहना मानता है, एक बार हमने चालू कर दिया बंद नहीं होता बार में। अभी रेडी है, बोलता है कैमरा घुमा फिर करूंगा। ड्रेस चेक कर लो एक बार, किसी और की यार्ड में ना घुस जाए हम लोग। चपड़े बम मारने के थे यार्ड बढ़ के, ऐसा ना हो अपनी गाड़ी ले जाए कोई। कितने साल हो गए अपने को व्लॉगिंग करते करते, लेकिन आपने अपने चैनल के ऊपर सिर्फ कैस्केडिया और पीटर बेल्ट ही देखा है। लेकिन मेरा बहुत दिनों से मन था कि यार यहाँ पे एक वॉल्वो भी दिखाया जाए किसी बाइक का, और ये है अपने बाइक की ट्रांसपोर्ट है। तो पहले ही देखो अंदर बैठा हुआ है साफ बादल, ठंड लग रही इसको बार बहुत। ये ट्रांसपोर्ट का नाम है और VNL 760 वॉल्वो की बात करेंगे आज। ये है 2023 मॉडल और इसकी जो कीमत है वो भी पूछेंगे। इसके आगे देखो बम्पर लगा हुआ है, मूस बम्पर। वॉल्वो का भी एक अपना ही रोब होता है, रोब बोलते हैं रोब। कैस्केडिया अपनी जगह पे सही है, वॉल्वो अपनी जगह पे सही है, पीटर बेल्ट अपनी जगह पे सही है। कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जो सिर्फ वॉल्वो को ही लेना पसंद करते हैं, इसके पीछे हुक नहीं होगी क्योंकि ये लोग बाइकों का काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ सिंगल ट्रेलर पुल करते हैं। अभी तक हुक लगाने लगाने का खर्चा जो आता है ना, वो तकरीबन 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा लगता है। तेरे को मालूम है कनाडा में तो? सच बोलूं मैं पहली बार वॉल्वो के अंदर घुस रहा हूं, पहली बार। ये है भाई वॉल्वो VNL 760 टॉप मॉडल है, मतलब अभी 760 चल रहा है, अभी 860 भी आ गए हैं, लेकिन 760 ही है लास्ट जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं। क्या बात है, इसको स्टार्ट भाई चाबी से करना पड़ता है। ये लो, वेट करेंगे जब तक इसकी सारी सुइयां घूम के वापस नहीं जाती तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। और क्लच चेक है ना, क्लच इसका क्लच नहीं होता भाई, कनाडा में आ गया अभी तू। और मेरे चढ़ दी गलत नहीं सुनाऊं लगा ट्रक कट मेरी वीडियो नहीं बनाए। कोई चक्कर नहीं, काट यार और बैठ का बूढ़ का मार के चलना मेरा। राम राम ना, यही जगह जा ठीक है। ये इनके ट्राले भी हैं भाई, इन्होंने अपनी ट्रकिंग कंपनी शुरू की हुई है, इनके ट्रक भी हैं, इनके ट्राले भी हैं। ये देखो इनका नाम है ट्रेलर के ऊपर भी आ रहा है देखो। तो भाई तूने भी वॉल्वो चलाया? जी F10 F12 F10 चलाया मैंने, F10 F12 और बाद में FHL, एक F10 और F12 जो 93 तक चले, 93 के बाद में FH सीरीज शुरू की उन्होंने। लेते हैं बाबा जी का नाम और लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत पसंद है ये वाली 2023 मॉडल है, ट्रक चला हुआ है सिर्फ 3,15,000 किलोमीटर और वो भी सारा अमेरिका को अंडरवेट। नहीं हम बेच नहीं रहे भाई, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। वॉल्वो
कि अपनी खुद की एक मोटर आती है, जैसे कैस्केडिया की मेरे वाले ट्रकों की मोटर आती है डेट्रॉइट, इसमें मोटर आती है वॉल्वो की अपनी, या कमिंस आती है, वो आपकी मर्जी, आपने कौन सी लेनी है। राइड बड़ी स्मूथ है यार इसकी। ये जो सीट है ना, ये जो सीट है वॉल्वो की और पीटरबिल्ट की जो मैंने चलाया था एरोडायनामिक, दोनों की सीट एकदम मस्त। वो ब्रेके, ब्रेके कहाँ पे? उत्तर दी। तो तूने शूज उतारे? बच गया नहीं थे भाई, उन्होंने चांटे मार मार के निकाला ना ट्रक में। सिमरन ने बोला भाई मैं नया आया हूँ दुबई से, मेरे को मालूम नहीं था। इतने सारे स्विच लगे हुए हैं ऑलरेडी, इंजन ब्रेक है, और ये यहाँ पे देखना ऑफ वाली जगह आ रही है ना आपको, ये मैंने घुमाया एक पे, ए एक दो तीन, और ये चौथा, लेकिन चौथा ब्रेक है, ये क्लिक नहीं होता, ये वापस आ जाता है भाई। चार ब्रेक हैं इसकी, थोड़ा सा सिंपल है ट्रक अंदर से है ना, लेकिन अपना ही टावर है भाई इसका। देखो ऊपर ऊपर बंक बने हुए हैं, और यहाँ पे बंदा भी सो सकता है। नहीं हाँ ये देख, ओ वाओ मैन, है ना, गुड वन। ये भी चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आप अपनी टीवी की स्क्रीन लगा सकते हो, ऊपर वाला बॉक्स है, इसमें फ्रिज बहुत बड़ी है भाई, ये देख सारी फ्रिज है इसकी, ये देख, ओहो बॉक्स निकला। जिस भाई का ट्रक है भाई पटेन शेक पीता है, देखो सही हो नहीं, और ये फ्रिज है इसकी। यस बॉस, फ्रिज बहुत बड़ी है यार, हमारे कैस्केडिया में इतनी फ्रिज होती है इतनी। और ये इसका नीचे का बेड है, यहाँ पे इसकी माइक्रोवेव पड़ी हुई है। क्या हाल चाल भाई साहब? हाँ भाई चल लेके चल। यहाँ पे ये देखो बेल्टें लगी हुई स्पेशल, ये देखो बेल्टें इन्होंने उतारी हुई हैं, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप यहाँ से बेल्ट खींच के इसमें डाल के अपनी सेफ्टी के लिए, ऊपर वाला बंदा जो होता है ना, जब टीम में चलते हैं बंदे, कहीं वेटिंग पड़ गई उसको यहाँ पे सुलाना पड़ता है, ये उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरे जैसा बंदा बैठा होगा कस के ब्रेक मारी बंदा सीधा वहाँ पे। यहाँ से दिखा ट्रक कैसा लगता है? भाई बिंदास होए। यहाँ पे भी बॉक्स है यार, बहुत बड़ा ट्रक है सिमरन। हमारे वाले ट्रक जो है ना, हमारे वाले लो बंक हैं अभी, तो लो बंक में क्या होता है, हम नीचे बैठे हैं, ये वाला ये जो बेड है नीचे कर दिया, नीचे वाले बंदे का सिर सीधा नहीं होगा। यहाँ पे तो नीचे भी बंदा आराम से दो बंदे बैठ सकते हैं, और ऊपर वाला बंदा देखो भाई, चलो मैं इतना लंबा भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी, ये देखो डबल कैबिन नहीं कहते, हाई बंक का, ये हाई बंक है, हमारे वाले लो बंक है जो अभी नए लिए कंपनी ने। लाइट बंद कर दे भाई उनकी, ग्लास टिकाने के लिए भी जगह है। चमचे दुबई में भी बहुत होते थे ना, हर जगह पे चमचे, यहाँ पे भी बहुत हैं, और चमचे इधर भी बहुत हैं देखो। ये खाली है, ये शिमला इसकी हीट होती है ट्रक की, ये वॉल्वो की, ये जब ट्रक चल रहा है तब काम करती है, और ये लगा हुआ वास्टो, ये वास्टो होता है, वास्टो आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, जब ट्रक बंद हो जाता है तो -20-25 तक ये वास्ट काम करता है, ट्रक को हीट करेगा, आपके ऑयल को गर्म रखेगा, इंजन ऑयल को, तो आपका ट्रक जो है आराम से स्टार्ट हो जाएगा। ट्रक ना स्टार्ट होने का ठंड में कारण एक ही होता है कि ट्रक का ऑयल संघना हो जाता है ठंड से, फिर बाद में वो जब हम सलम मारते हैं वो घूमता नहीं, ये प्रॉब्लम है। वॉल्वो की राइड है वो, वॉल्वो और पीटरबिल्ट की एरोडायनामिक की, एक नंबर। मोटरें होती हैं 465 होती है, 505 होती है, फिर 565 होती है, ये बेसिक वाला है 465, जिसको अमेरिका में काम करना है टेंडम डबल एक्सल ट्रेलर के ऊपर, उसके लिए ये बहुत बढ़िया मोटर है। या बड़े प्यार से मेरी तरफ इसका मुंह करके ना ट्रक के आगे रख दे बस। यार बड़ी स्लिपरी है, कोई नहीं आस्ते जाएंगे, तेरे को आदत भी है गिरने की। इसका भाई मूस बम्पर जो होता है ना, मूस बम्पर, ये देखो कैस्केडिया का अपना, वॉल्वो का अपना, जिनका ट्रक है भाई उन्होंने कहना हमारा ट्रक खोल के रख दिया ना बंदों ने। यहाँ पे पता क्या हो रहा है, बेइज्जती हो रही, कलाकार बने ना हम, कलाकार उस्ताद बनते हैं,
इससे मालूम पड़ता है कि भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कभी यहाँ पे वॉल्वो नहीं चलाया, तो मेरे को वाकई मालूम नहीं कि जो VNL 760 है ना, इसकी हुड खुलती कैसी है। अभी ऑनलाइन देख रहा हूँ, उसको कॉल करेंगे, जिसको कॉल करेंगे बोले बड़े बड़े उस्ताद बनते हो भाई। ये भाई लगा हुआ है इसका हुड। मेरी मम्मी आंधी ठंड तो बच के रही भरावा, मेरी मम्मी आंधी ठंड तो बच के रही, मैं टुंड कट के नजर आ रही। ओ यस भाई, ये देख मालूम पड़ता ना 465 है, क्यों? क्योंकि छोटी सी है मोटर, देख है ना, वॉल्वो लिखा हुआ है भाई, वॉल्वो। हाँ ये इसका इंजन है। इतनी नॉलेज की बात तेरे को किसी ने नहीं बतानी। ओह माय गॉड, ये इंजन है, जेसीडी। वैसे इसकी रेशो जो है ना 308 की है, उन्होंने मेरे को बता दिया था। इस साइड में ये इसका एयर इनटेक है, जो जो पुर्जे हमको चाहिए थे हमने निकाल लिए, अभी ट्रक उनका वापस कर देते हैं। और बहुत है ना, पर्सनैलिटी कितनी है इसकी, बहुत ज्यादा। ये चेक कर लो ध्यान से, बाद में ऐसे भी ब्रेकें मारी हो तो बम्पर नीचे। वॉल्वो के इंडिकेटर मेरे फेवरेट हैं, ये दे। आहा, ये इसकी डेप है जमे, ये दे। विंडशील्ड वाटर भाई देखो रखा हुआ है, डीजल एग्जॉस्ट, ये टो हुक है इसकी। इसकी कैटवॉक देखो कितनी बड़ी है, जो वो वास्ट होता है ना उसको भी डीजल ही चाहिए। वास्ट चलता है ना तो टक 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 ऐसे आवाज आनी शुरू हो जाती है पीछे, तो मालूम पड़ता है कि हाँ डीजल जो ना पंप हो रहा है टंकी से, लेकिन बहुत थोड़ा डीजल लगता है। अगर यही ट्रक आपको हैवी स्पेक में लेना है, जैसे ये 465 की मोटर है या 2.5 लाख का, अगर आपको 550 की मोटर लेनी है, तो ये ट्रक 50,000 के पास में ऊपर महंगा हो जाएगा। ये 3 लाख के पास में चला है, 2,70,000 से लेके 3 लाख तक की इसकी वैल्यू है। दुबई में भी ऐसा ही था वॉल्वो यार। मैं अभी थोड़ा स्लो करता हूँ ना, एक बार आप गियर की शिफ्टिंग देख लो, चौथे में सीधा ये आ रहा है नीचे, चौथा ऊपर स्पीड आ रही है, छेवा, आठवां, दसवां, बस हमने मुड़ जाना यहां से। ओ भाई मालूम पड़ गया सीट बेल्ट, मैंने अभी यार्ड में आ गया हूँ, अभी यार्ड में भी सीट बेल्ट डाल के रखूं। उधर सिमरन ठंड में खड़ा कैमरा लेके, ये ट्रांसपोर्ट के पाजी के साथ में मैंने वीडियो पता क्यों बनाई है, मेन रीजन, जब मैं कनाडा में आया था सबसे पहला ट्रिप मेरी कंपनी में, पाजी के साथ में ट्रेनिंग पे गया था मैं, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर ही है सेम पंजाब से, और पाजी के पास में 12 ट्रक हो गए, अभी 12 ट्रक हो गए और ट्रेनर भी 10-12 हो गए इनके पास। अभी अभी रिसेंट एक बंदे को बहुत अर्जेंट जरूरत थी, तो उनको मैंने इनके पास में रखवाया भी है, पाजी ने बोला कि हाँ भेज दे कोई चक्कर नहीं है, ऐसे आज सुबह बोला, शाम को पाजी ने उसको लोड के ऊपर भेज दिया। तो थैंक यू पाजी का, वीडियो में भी कर देते हैं, वैसे तो मैंने बहुत बार किया है, उस्ताद उस्ताद ही होता है भाई, कितना भी एक्सपीरियंस है लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है। मैंने पहली ट्रेनिंग जो है कनाडा में उनके साथ में लगवाई है। अरे घर से बाहर होते हैं तो काम कार में बिजी होते हैं, जब घर आ जाते हैं भाई तो पूरा टाइम इसमें ही लगता है। मैडम बहुत गुस्से में, गुस्से जैसे कैमरा ऑन हुआ ना ऐसी हंसी आ गई, देखो कितनी स्मार्ट। देखो हमारा कैमरा कितनी पॉजिटिविटी लेके आता है। कर दी गला, कर दी गला, ओ तेरी 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 भाई, दिन में इसका ना इसकी स्पीड तेज हो रही है भाई। बता देना यार आज की वीडियो कैसी लगी है, लाइक करके जाया करो, लाइक करने से हौसला बढ़ता रहता है। अगर चैनल के ऊपर नए बंदे हैं सब्सक्राइब कर लो, मिलते रहेंगे ऐसी नई नई वीडियो में। टेल देना अपना और अपने ऊपर का ख्याल रखो, रब रखा। Oh. I don't really like going out. It makes me uncomfortable. Comfortable, yeah. We could be chilling on the sofa.